गर्लफ्रेंड का नाम बॉयफ्रेंड का नाम छपवा लिया, बाद में ब्रेकअप हुआ तो रगड़वाते फिर रहे, तो वो मुश्किल है। देखो ये कार्बन होता है, इस पे पहले डिजाइन करता भाई, फिर कार्बन पे जगह पे चिपकाना होता है। जब भी बनवाओ तो नया नीडल लेना बहुत जरूरी है। कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पेनफुल है, पूरा ब्लड निकल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरो। खून देख रहे हो, खून कैसे निकल रहे है। और ये बॉबी, हाय, यहाँ पार्टी चल रही है, ये बंदा सर्फिंग करता है, और ये है भाई जो बॉबी को लाए। छोटे टैटू का तो कोई लफड़ा नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। बड़ा टैटू होगा और जहाँ पे बोन्स होंगी वहाँ पे हर्ट करेगा ज़्यादा। यहाँ पे मैं दर्द से जूझ रहा हूँ कितने ज़्यादा, और ये भाई देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे पल्ले बना रहा है। नम करने के क्रीम भी आती है जो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहो, बहुत डर लग रहा है, बहुत पेन है, तो ले सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, ये देखो टैन कितना जबरदस्त हो रखा है, पूरा फेस पे और पूरी जो हाथ है ना, पूरे टैन हो गए सर्फिंग कर करके। पर आज क्या खास हो रहा है कि मैं शाम को ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आज है बड़ी स्पेशल चीज कि मैं बनवाने जा रहा हूँ एक टैटू, वो भी अपने पैर पे, पैर पे मतलब नॉट पैर पे, मतलब अपनी टांग पे बनवा रहा हूँ, काफ और पूरे उसके साइड में। तो उसके चक्कर में मेरे पास अभी ये, तो भाई बाल तो है ही हैं, तो वो बाल काटने पड़ेंगे, क्योंकि भाई आता ही होगा, एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाएगा। और टैटू में बनवा किस चीज़ का रहा हूँ वो आप देखोगे, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, और कुछ क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी टैटू बने उसका कुछ मीनिंग हो, इसीलिए मैंने वो चुना है। आपको बताऊंगा क्या है, अगर आप टैटू बनवाने का कभी सोच भी रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सब पता लगेगा उसमें। तो व्लॉग ज़रूर एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई, और हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें। तो शुरू करते हैं। पर इतना इतना चमकाया क्योंकि इतने में ही टैटू होना है, वो जो जो हिदायतें देगा वो आपको भी समझ आ जाएंगे अगर आपको कभी बनवाना हो तो। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। हेलो, आई एम बॉबी। अपने काम पे लग गए आते ही, ये देखो डिज़ाइन बना रहे हैं आगे का, जो पैर पे आगे बनेगा ये वाला डिज़ाइन जो है ना, ये यहाँ बनेगा इस साइड पैर पे आगे, और पैर के पीछे जो डिज़ाइन है वो दूसरा है। लेकिन वो अभी बॉबी भाई बोल रहे हैं कि एक बारी में नहीं करवा पाऊंगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, तो दूसरा डिज़ाइन जो है वो ये कल बनाएंगे, लेकिन मैं ये एक ही व्लॉग में डालूंगा दोनों के दोनों। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप डिज़ाइन चूज़ कर लेते हो तो उसको पहले ये पेपर पे बनाते हैं, और उसके बाद भाई इसको ना बिल्कुल ठीक जगह पे चिपकाना होता है, क्योंकि इसके बाद जो है ये पूरी की पूरी ड्राइंग पैर पे छपने वाली है, अगर गलत चिपकी तो गलत ड्राइंग हो जाएगी, इसीलिए ये ज़रूरी है। भाई मुझे बोल रहे थे कि वो सुन करने के लिए क्रीम आती है, वो चाहिए तो लगा सकता हूँ, लेकिन यार वो थोड़ी महंगी है, काफ़ी महंगी है एक्चुअली ना, और महंगी भी क्या, दूसरा ये है ना कि अगर टैटू बनवाई रहा हूँ तो पेन थोड़ी बर्दाश्त करना बनता ही है। भाई ने मुझे दिखाई है, ये पैक्ड है, बोल रहा है कि मैं आपके लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको श्योरिटी हो जाए, इसलिए वापस दिखा रहा है। तो जब भी बनवाओ तो नया नीडल लेना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। भाई लोग यहाँ पर ना बियर पी रहे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, बोल रहे हैं बियर पी ले ताकि दर्द कम हो, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, दर्द ही सहनी, अब बियर तो नहीं पियेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये तैयार हो रहे हैं सर्जन सर्जरी के लिए, डिज़ाइन छप गया, बस काम करना है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इधर, मस्त पार्टी कर रहे हैं, लेकिन मैं यार चीज़ें बताता जा रहा हूँ आपको। नम करने के क्रीम भी आती है जो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहो, बहुत डर लग रहा है, बहुत पेन है, तो ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा यार जब करवा रहे हो तो एक बार कोशिश कर ही लो कि दर्द हो ही जाए, कितनी होती है देखो एक बार, ये भी सहना ज़रूरी है ना। बोल तो बहुत रहा हूँ लेकिन अब पता लगेगा क्या होता है। वो देखो हथियार तैयार कर लिया भाई ने, तो ये इंक भर रहा भाई, फिर उसमें डुबो डुबो के ना, जैसे पेंसिल से पेंटिंग नहीं करते वैसे करेगा। चलो भाई, हर हर महादेव। हो रही है भाई पेन तो, हाँ आई कैन फील पेन हो रही है भाई, सही हो रही है, सही हो रही है। अगर एक आधी बियर पीना चाहो तो पी सकते हो, पर मैं नहीं पीने वाला हूँ, लेकिन हो रही है। देखो भाई ने अभी शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट 20% कर दिया है बॉबी भाई ने। पर हाँ, अगर पहली बार करा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पेन फील हो सकता है, लेकिन पूरा माइंड का गेम है, अगर माइंड पे थोड़ा काबू रखोगे तो हो जाएगा। बस वो पहली जब नीडल मारते ना तब ज़्यादा पेन होता है, उसके अलावा तो मतलब होता तो रहेगा ही, अब जो सूज जाएगा ना वो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी आगे वाला हिस्सा हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा कल फिर से करवाना है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ये देखो लगे हुए अभी, ये भाई ने डिजाइन रखा हुआ सामने, और यहाँ पर लगे हुए टाइम लैप्स।
तो बॉबी ने अभी अभी टैटू का पूरा कर दिया, बस शेडिंग नहीं हुई है, अभी शेडिंग करेगा। उसने खाली साफ करके एक पहला लुक। हाय, यहाँ पार्टी चल रही है, ये बंदा सर्फिंग करता है और ये है भाई जो बॉबी को लाए। तो ठीक है, शेडिंग कराते हैं, फाइनल रिजल्ट इसके बाद दिखेगा, फिर देखते हैं, लेट्स सी। डिज़ाइन जो है हमारा ये है, तो जितनी ये फूल पे आपको फिलिंग दिख रही है ना, ये पूरी टांग में होनी है, क्योंकि ये अभी तो खाली है, देखो फिल नहीं किया हुआ, अभी कर रहा है ये देखो। अबे यार, अब सही में हो रही है, सच में हो रही है, तो और ज़्यादा पेन भी हो रही है थोड़ी, तो ये तो सच है। ठीक है, दिखाता हूँ, लेकिन बर्दाश्त तो मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे ना सर में दर्द होने लग गया है, क्योंकि है तो इंसान का शरीर ना आखिर, तो जो बड़े टैटू है ना उनमें ये होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, तब दिक्कत होती है। अब शेडिंग में क्या ना, नो सिरिंज है, नो सुइयां हैं जो एक साथ जिससे कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। क्योंकि इतनी मोटी इंक एक सुई छोड़ नहीं सकती, तो इसीलिए इसने नौ सुइयां ढाली हुई हैं इसके अंदर, और उन्हीं से ये लगातार सारा का सारा भर रहा है, और इससे थोड़ा सा ना दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसके बाद, और सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, बस वो इशू और कुछ नहीं। देखो थोड़ा सा दिखने लगा ना, थोड़ा अच्छा दिखने लगा, देखो जो इंक किसने कर दिया ना अभी वो देखो। यहाँ पे मैं दर्द से जूझ रहा हूँ कितने ज़्यादा, और ये भाई देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे पल्ले बना रहा है। तो भाई ध्यान रखो, बड़ा टैटू करवाना है तो दर्द होती है भाई, छोटे टैटू का तो कोई लफड़ा नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है, बड़ा टैटू होगा और जहाँ पे बोन्स होंगी वहाँ पे हर्ट करेगा ज़्यादा। अभी तो ये आगे का है खाली, इसके पीछे भी करवाना है मुझे काफ पे, तो ठीक है भाई रेस्ट कर लेता थोड़ा। एक भाई सो गया यहाँ पे, थोड़ा बिंटैंग पी के, बिंटैंग इनके यहाँ पे बियर का नाम है, और ये भाई हमारा सर्फर है जो तीन सुबह के 3 बज गए, और इसमें हमें लग गए कोई 5 घंटे करीब करीब लग गए, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। ये देखो, ये सारी जो कलर्स थे ना, इस साइड दिखेगा, ये सारे जो शेड्स डालने थे वो डाल दिए, अब ऊपर वाला ये एरिया बचा है, इसमें हल्के हल्के डालेंगे ऐसे, जैसे ये हल्की हल्की शेडिंग हो रही है ना, देखो जैसे ये सर्कल है इसके अंदर हल्का शेड है, पर इस वाले में अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे होना है, साथ साथ ये हल्के हल्के शेड्स डालने हैं, बाकी नीचे वाले पूरे हो गए हैं देखो। हाँ, तो ये बचा अभी, और भाई स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करने के बाद लग जाते हैं फिर से काम पे। अब मेरे ख्याल से खींच के 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसके बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ रिजल्ट क्या है। You tired? Sure. भाई पिछ 5.5 से 6 घंटे लग गए पूरे इसको बनाते बनाते, अब फाइनली ऐसा दिखा है। अब कल फिर से एक डिज़ाइन बनना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ना एलोवेरा जेल लगा रहे हैं, क्योंकि जब इस पर काम किया पूरा टैटू पे तो ब्लड भी निकला काफ़ी, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है पूरी चमड़ी। तो भाई फाइनली ये बना है रिजल्ट इसका, ये देखो, ये साइड से ऐसे, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ ऐसा ही। भाई ने बताया कि ना इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना है तो एलोवेरा लगा लो, एलोवेरा नहीं लगाना है तो टैटू का आफ्टर केयर होता है आप वो लगा सकते हो, उससे आपका कलर जो है ना टैटू का वो फेड नहीं होगा जल्दी, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब फिलहाल जल्दी से सामान सामून वगैरह रख दिया भाई का, अब मैं भी जाके सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 4:02 है। तो व्लॉग अभी ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अभी ख़त्म कर दिया तो पूरा टैटू बनाने के लिए दूसरा व्लॉग बनाना पड़ जाएगा, तो मैं एक ही में इसको ख़त्म करूँगा। पैर भी सुन्न हो गया पूरा, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही होगा ताकि थोड़ा हील हो जाए। गुड नाइट। तो ये है डे 2। तो टैटू जो अपना बना था ना वो कैसा दिख रहा है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ये बनाया था हमने और अभी ऐसा दिख रहा है आज, मतलब अब इसको 1 दिन हो चुका है, 24 घंटे करीब करीब इसको हो जाएंगे अभी 1 घंटे में। और आज जो बनाना है ना, आज ये पीछे पूरा टैटू बनेगा एक, और ये साइड्स में ऐसे कवर करने के लिए दोनों साइड पे यहाँ पे बनेगा। इसकी जो पेन है ना काफ़ी रही मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा पेन, तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतनी थी कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ पेन थी,
और काफ़ी पेन हुई है इसमें ना बनवाते हुए भी। अब आज का ये है कि पैर पूरा सूज गया हुआ है और आपने पीछे देखा होगा नीला हो रखा है पूरा पैर, अब पीछे पूरा टैटू होना है। तो आज की भी पूरी रात लगेगी, कल लगे थे हमें 5.5-6 घंटे और आज कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पीछे बनवाना है और उसके बाद साइड्स में फिलिंग करनी है। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर टैटू से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, अगर आपको लग रहा हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बनवाऊँ या ना बनवाऊँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर कि अगर बनवा रहे हो कुछ तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए आपकी लाइफ में, या फिर आप किसी चीज़ से मोटिवेटेड हो तो वो बनवाओ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ मत बनवाना जिसका कुछ नहीं है, मतलब कोई गर्लफ्रेंड का नाम बॉयफ्रेंड का नाम छपवा लिया, बाद में ब्रेकअप हुआ तो रगड़वाते फिर रहे हो, तो वो मुश्किल है। जब टैटू पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, दिखाऊंगा आपको फाइनल रिजल्ट कि कैसा पूरा दिखता है आगे पीछे से ना ये। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, अब आज की भी पेन है तो काफ़ी सहनी पड़ेगी यार, लेकिन हाँ नो पेन नो गेन जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का डिज़ाइन है ये बनेगा मेरे काफ मसल पे पैर के पीछे, और ये जगह है जहाँ पे लेट के बनवाना है। कैसा दिखता है बनने के बाद, अभी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बनने के बाद कैसा दिखता है ना वो देखते हैं। देखो ये कार्बन होता है, इस पे पहले डिज़ाइन करता है भाई, फिर कार्बन पे जब बन जाता है ना तो कार्बन से इसको यहाँ पे लगा देते हैं पीछे। अब इसके ऊपर ड्रॉ करेगा भाई, बहुत पेनफुल है ये। और ये जो जगह है ना ये भाई बहुत पेनफुल है, हड्डी के ऊपर और साथ में जहाँ पे सॉफ्ट होगी ना स्किन, पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अभी तो ये हुआ है, मोटा पार्ट बाकी है। ये देखो फिलिंग, ये पूरी शेडिंग होनी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उसमें थी 9 सुइयाँ एक साथ भाई डाल के चलाएगा, अभी तो एक ही चला रहा था जान निकल रही थी। आज सच बताऊँ तो काफ़ी तकलीफ हुई है यार, और अभी तो बहुत पड़ा है। अभी ये जो गैप है ना ये वाला, ये गैप दोनों साइड है और ये भी भरना है अभी दूसरे डिज़ाइन से। आज की रात थोड़ी टफ होने वाली है भाई। वो अब ना आपको थोड़ा सा समझाता हूँ और थोड़ा बताता हूँ कि क्या हो रहा है। ये आगे वाला बन गया हुआ है, पीछे वाले की मतलब आउटलाइनिंग कर दी है, लेकिन ये जो गैप है ना ये और ये गैप ये भरना है। इसके लिए भाई एक स्केच तैयार कर रहा है, जहाँ यहाँ पे भी कुछ क्योंकि डिज़ाइन करके भरना पड़ेगा, नहीं तो ना ये खाली खाली अच्छे नहीं लगते। तो भाई एक स्केच तैयार कर रहा है, एक साथ ही इनको लगाएंगे आउटलाइनिंग और उसके बाद एक साथ शेडिंग करेगा भाई। तो वो काम चल रहा है, ये भाई कर रहे हैं यहाँ पे। पैर के पीछे ना पूरी सूजन हो गई थी क्योंकि कल भी टैटू करवाया था। कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पूरा ब्लड निकल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरो। ये देखो ये पार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत पेनफुल है कि मेरे सर में दर्द होने लग गया है। पर कोई बात नहीं, बर्दाश्त तो करना ही है, तो करते हैं। फाइनल रिजल्ट अच्छा हो बस, उसी के चक्कर में ये दर्द भी सह लेंगे भाई। अभी थोड़ा सा नीडल हटाई है तो थोड़ी सांस आई है, रोने वाली शक्ल दिखा नहीं सकता मैं, तो ठीक है एक बार पूरा होने देते हैं इसको। ये लो भाई ये साइड वाला हो गया, अब देखो साफ कर रहा भाई कैसे दिखेगा। अभी आज ब्लड काफ़ी निकला है भैया, खूनों खून हो गया हम भाई। सुबह के बज गए हैं 8 के करीब का टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं मैं भी और भाई बॉबी भी, बहुत टाइम लग गया। मतलब मेरे को लगा था कि 8 घंटे में हो गया है, लेकिन वो थोड़ी सी फिनिशिंग इस साइड की रह गई थी। देखो ब्लड देख रहे हो, खून देख रहे हो, खून कैसे निकल रहे है, ये पूरा ब्लड है क्योंकि ना ओवर एग्जॉस्टेड हो गई थी ना बॉडी, और मैंने कल करवाया उसके बाद आज फिर करवाया, इसीलिए इतना खून निकल गया ये। तो कोई बात नहीं, अब फाइनली हो गया है, एक फाइनल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये ब्लड वगैरह थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ये निकलता ही रहेगा थोड़ी देर, तो ऐसी कुछ ऊपर से ये साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये साइड इसकी देखो ऐसी है, और बैक बैक इसकी ये रही ऐसी।
तो ठीक है, ये फिनिश हुआ, बॉबी ने काम कर लिया। बॉबी थैंक यू सो मच बॉबी। हाँ तो बॉबी ने बना दिया, अपना काम कर लिया। डिड नॉट स्लीप फॉर हाउ मेनी टू डेज? टू डेज नाउ वी डन। दो दिन से सोया नहीं है भाई, आंखें आंखें देख के लग रहा है जर्सी है। थैंक यू सो मच बॉबी, थैंक्स। थैंक यू। ठीक है भाई, तो ये था आज का व्लॉग। मैं इसको अभी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं भी ख़त्म हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। जाके गिरता हूँ थोड़ी देर, मेरी अभी दो घंटे बचे। ढाई घंटे में फ़्लाइट है, मैं आधा घंटा सोना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़्लाइट से आप खींच के मतलब 35-40 मिनट पहले पहुँच जाओगे, बहुत है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लेना भाइयों। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड जय हिंद फ्रॉम पाली।